वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राघव आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, मटेरियल पिक फ्लोर। सपोज हमारे पास अभी यहाँ पे तो हमें चार मटेरियल मिल रहे हैं इजीली। अगर ये गलती से रीसेट हो गए या फिर ये स्लॉट सारे फिल हो गए तो हमें हमारा मटेरियल यहाँ पर स्लॉट में नहीं मिलेगा। तो हमें हमारा मटेरियल स्लॉट में मिल सके इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी स्लॉट पर जाइए, पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए जिसका आपको मटेरियल पिक करना है। ठीक है, मुझे इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल पिक करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये आ गया, मैंने पिक किया। मुझे इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल पिक करना है, क्लिक किया, ये इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल आ गया। ठीक है, मुझे ग्लास का देखना है, पिकर एंड पिक, ये ग्लास का आ गया। अब मटेरियल स्लॉट में मैं इसे वापस से 3x2 कर देता हूं, बड़े स्लॉट आराम से दिखाई दे। ठीक है, मटेरियल एडिटर में बेसिकली जब हम ग्लास ट्रांसपेरेंसी या इस टाइप के मटेरियल बनाते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड होता है, हम बैकग्राउंड को अनेबल कर देंगे। जैसे ही बैकग्राउंड अनेबल होगा हमें हमारा स्लॉट दिखने लगेगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, जैसे मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम की, यहां भी मेरे को ट्रांसपेरेंसी कम दिखने लगेगी स्लॉट पर। ठीक है, ओके ओके, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर। तो मटेरियल पिक करने के लिए मेरे पास पिकर है, मैं डायरेक्टली इसे पिक कर सकता हूं। मैं पिक कर रहा हूं फ्लोर का, शिफ्ट क्यू, एक बार रेंडर किया हमने, रेंडर में फिलहाल किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन मेरे फ्लोर पर नहीं आ रहा, वो चाहे मैं बॉक्स हो, स्पेयर हो या ये ग्लास हो। ठीक है, मैं स्पेयर को अपने थोड़ा सा पास लाता हूं और ऊपर उठा लेता हूं। तो मैंने फ्लोर का ले रखा है, अब फ्लोर पे मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन यहां आए। तो फ्लोर का मटेरियल मेरे पास है, फ्लोर के रिफ्लेक्शन अमाउंट को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 54, रेंडर। ठीक है, अभी हमें दिखाई नहीं दिया, हम वैल्यू को और बढ़ाते हैं, ओके रेंडर। ठीक है, अब मुझे बॉक्स का कुछ कुछ दिखने लगा है। ठीक है, मुझे स्पेयर का भी हल्का सा दिखने लगा है, मैं इसे कंप्लीट व्हाइट कर देता हूँ। ओके, फ्लोर का नहीं आ रहा, फ्लोर का तो आ ही रहा है, फ्लोर का तो आ ही रहा है क्योंकि स्पेयर पे भी हमने रिफ्लेक्शन ऑन कर रखा है। एक बार स्पेयर को मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब स्पेयर पे किसी का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा लेकिन फ्लोर पर स्पेयर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्यों, क्योंकि फ्लोर के ऊपर हमने रिफ्लेक्शन ऑन किया। ठीक है, अब बेसिकली ये फ्रिजनल रिफ्लेक्शन है, फ्रिजनल को हम आगे अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इतना हम समझ लेते हैं कि जब तक ये फ्रिजनल रहेगा तब तक इसको जो मैक्सिमम लाइट मिलेगी ये उतना ही दिखाएगा रिफ्लेक्शन। फ्रिजनल जैसे हम ऑफ कर लेंगे, ठीक है, हम रेंडर करेंगे अब, तो हमारा प्लेन ऑलमोस्ट गायब हो गया। ये गायब नहीं हुआ है, बेसिकली हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस पूरे एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं है, पूरा एनवायरनमेंट हमारा ब्लैक होता है। ठीक है, तो क्या है कि हमने रिफ्लेक्शन 100% रख रखा है और इस बार हमने फ्रिजनल भी ऑफ कर रखा है। ठीक है, फ्रिजनल ऑफ क्या करता है, बेसिकली कुछ भी हो, चाहे वो लाइट सोर्स हो या न हो या अंधेरा हो, वो उस सब चीजों को अपने ऊपर ले लेता है। और फ्रिजनल क्या करता है, बेसिकली जो लाइट सोर्स हमें मिल रहा है, जहां लाइट हमें मिल रही है, सिर्फ उसी का रिफ्लेक्शन जनरेट करेगा। इस बॉक्स से कितनी लाइट जनरेट हो रही है, बहुत माइनर सी। इस बॉक्स से ऑब्वियसली बात है, कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो बाउंस करती है, तो इस ऑब्जेक्ट से बाउंस होकर लाइट कितनी आ रही है, बहुत कम, क्योंकि ये कोई लाइट है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के बाउंस तो करेगी, तो वो बहुत कम कर रही है, इसलिए रिफ्लेक्शन अमाउंट बहुत कम आ रहा है। ये इन्वायरमेंट से कोई भी लाइट बाउंस नहीं कर रही क्योंकि ये कंप्लीटली डार्क है,
इसलिए इसका कोई भी रिफ्लेक्शन हमारे फ्लोर पर नहीं आ रहा। फ्रिजनल बेसिकली जो लाइट बाउंस करती है उसी का रिफ्लेक्शन दिखाती है। फ्रिजनल हमने ऑफ कर दिया तो इसका मतलब अब ये लाइट पर डिपेंडेबल नहीं है, जो अंधेरा है डार्क एरिया है उसका भी रिफ्लेक्शन अपने ऊपर पूरी ले लेगा। ठीक है, तो फ्रिजनल का मतलब समझ में आ गया। अब मुझे रिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए लेकिन वैल्यू मैं थोड़ी कम ले लेता हूं, क्योंकि एनवायरमेंट दूर है ऑब्जेक्ट नजदीक है तो ऑब्जेक्ट की लाइट भी तो है उसको ले लेगा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे हल्की हल्की आपका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा, क्योंकि वो एनवायरमेंट को भी रिफ्लेक्शन पे ले रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में फ्रिजनल और नॉर्मल रिफ्लेक्शन दोनों क्लियर समझ में आए, विथ फ्रिजनल विदाउट फ्रिजनल। ठीक है, इसके बाद अभी इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीटली शार्प है, एकदम शार्प एज में। ईमानदारी से इतना शार्प रिफ्लेक्शन हमें नहीं मिल सकता किसी भी चीज का। ठीक है, ये हल्का सा ब्लरिश रहता है। तो रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है जो एरिया है वो डिफाइंड होता है हमारे ग्लॉसिनेस से। अभी ये एक है मतलब 100% शार्प है। मैंने इसकी शार्पनेस को हल्का सा ब्लर किया 0.8, मतलब 0.2 मैंने इसे हल्का सा ब्लरिश कर दिया, तो ये एरिया 0.2 ब्लरिश हो जाएगा। ठीक है, ब्लरिश हो गया, 0.8 ज्यादा हो गया, 0.9 करते हैं तो हल्का सा कम। अब मुझे बार बार इसे रेंडर करना पड़ता है तो टाइम लगता है। हर बार ये रेंडर में ले रहा है 5 सेकेंड, रेंडरिंग टाइम 5 सेकेंड। मैं चाहता हूं हर बार मेरे को पूरा ना रेंडर करना पड़े, मुझे सिर्फ ये एरिया देखना है। तो यहां से मैं जाऊंगा रीजन और ये एक सिलेक्शन बना लूंगा, बस रेंडर सिर्फ इतना एरिया रेंडर करेगा। ओके, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एरिया 0.9 में ये ले रहा है, 0.95 रेंडर। ठीक है, हल्का सा ब्लर है, 0.99 ज्यादा है, 0.92 हल्का ब्लरिश हो गया, 0.9 बहुत ज्यादा ब्लरिश हो जाएगा, 0.85 बहुत ज्यादा ब्लरिश। ठीक है, तो जितना हम वैल्यू माइनस में जाते जाएंगे उतनी ही आपका रिफ्लेक्शन ब्लर होता जाएगा। ठीक है, हमने 85 कर रखा है, इतना ब्लर है, 0.7 करेंगे तो ये ब्लरनेस और बढ़ जाएगी। ठीक है, और बढ़ गई। अगर हम इसे और 0.4 चले जाएंगे तो यहां और भी ज्यादा ये ब्लरिश हो जाएगा। ठीक है, और इसे वापस 9 कर देंगे तो ये रिफ्लेक्शन शार्प हो जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हम इसे ब्लर करते हैं 0.75, तो हम देखते हैं हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो नॉइजी हो चुका है। ठीक है, ये दिख रहा है नॉइज नॉइज नॉइज। ठीक है, रेंडर सेटिंग में जाते हैं, कॉमन में ही जहां हमारे पास असाइन रेंडर था, साइज अभी 640 और 480 है। इसे लॉक करके मैं थोड़ा बड़ा रेंडर कर लेता हूं, 2000। ठीक है, लेकिन रेंडर तो मैं रीजन ही करूंगा ताकि एरिया सिर्फ इतना ही रेंडर हो। रेंडर ठीक है, अब बेसिकली ये जो नॉइज बन रही है हमारी, ये कॉर्नर पे जो स्मूथ होते वक्त जो नॉइज बन रही है, ये होती है हमारे सब डिविजन्स। ठीक है, जैसे मैं यहां से अपने सब डिविजन्स बढ़ाता हूं, मेरा ये एरिया जो रिफ्लेक्शन का एरिया है वो हो जाएगा स्मूथ। ओके, इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड और ट्यूटोरियल्स आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और जो भी कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।